वो करेंगे एक बड़ी खबर का विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ विपक्ष का प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। विधानसभा सचिवालय को दी गई है सूचना 26 मार्च को सत्र शुरू होते ही विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रायपुर से विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जारी किया है विपक्ष ने विधानसभा में। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता आशीष तिवारी जुड़ गए हैं। आशीष, रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां 26 मार्च को सत्र शुरू होते ही विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करेगा। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? देखिए, बिल्कुल, छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज सत्र की जो कार्रवाई हुई इसे 26 मार्च की सुबह 11 बजे तक के लिए टाल दिया गया, और टालने की वजह ये बताया गया कि कोरोना वायरस को लेकर जिस तरीके से केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है उसके मद्देनजर छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्रवाई को भी 26 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया जाए। हालांकि विपक्ष बाकी सदन के भीतर प्रश्नकाल को लेकर चर्चा हो, क्योंकि ठीक एक दिन पहले जब देर शाम को कार्यसूची जारी की गई थी आज की कार्रवाई को लेकर, तो इसमें प्रश्नकाल का भी जिक्र था और तमाम जो दूसरे बिजनेस हाउस के हो सकते थे उनका भी जिक्र किया गया था, लेकिन प्रश्नकाल भी नहीं हो सका और सदन की कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। दोबारा जैसी सदन की कार्रवाई शुरू हुई, पिछले दिनों कार्यमंडल समिति की जो बैठक थी कि 26 मार्च तक की सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी जाएगी, उसका ब्यौरा पेश किया गया और विपक्ष इस दौरान चाहता था कि सदन में विपक्ष की बात सुन ली जाए, लेकिन विपक्ष की बात असेंबली ने नहीं सुनी और सत्र की कार्रवाई को 26 मार्च तक स्थगित कर दिया गया, क्योंकि विपक्ष लगातार अपनी बात को रखना चाह रहा था, स्पीकर से अनुमति नहीं मिली। यही विपक्ष के आक्रोश की एक बड़ी वजह बनी। सदन में पहले गर्भगृह में विपक्ष के तमाम सदस्य धरने पर बैठे और जब तब भी उनकी नहीं सुनी गई, तब विपक्षी विधायक दल की बैठक हुई, बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई और बैठक में ये तय कर लिया गया कि जो आसंदी है, स्पीकर है, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के सदस्य लेकर आएंगे। विधानसभा सचिवालय को आज ही सूचना दे दी गई है, यानी अब ये माना जा रहा है कि 26 मार्च की सुबह 11 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तब विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव का पुरजोर तरीके से समर्थन करते हुए अपनी बात रखना शुरू करेगा। हालांकि इस पर आसंदी की क्या व्यवस्था है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। चलिए आशीष, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी रायपुर से, जहां 26 मार्च को फिर से सत्र शुरू होगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। स्वराज।